कि होटल के जस्ट बाजू में एक जगह है, उधर से जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए समुंदर। देखते हैं, ये भाई साहब दिखा रहे हैं हमको रास्ता। आपका नाम क्या है सर? विपुल। विपुल जी हमको दिखा रहे हैं रास्ता। इन्होंने एक होटल से ही जाने के लिए एक रास्ता बनाया छोटा सा, देखते हैं। थोड़ा जंगल टूर हो गया। ये आ गए हम लोग बीच पर। अच्छा 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 थोड़ा नील। अच्छा छोटा नील, नील। वहाँ पर कैसे जाते हैं, जा सकते हैं? सर वो फॉरेस्ट लोग जाते हैं, फॉरेस्ट के लोग। यहाँ से भी मस्त दिख रहा है, आने वाला रास्ता तो बहुत ही बढ़िया था। ये यहाँ से आए हम लोग और वो सामने बोल रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं छोटा नील आइलैंड। वो फॉरेस्ट के लोग ही वहाँ पर जाते हैं, वैसे बाकी लोग वहाँ पर है जाते नहीं है और रहने वाले भी लोग नहीं है वहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर जाने वाले हैं नेचुरल ब्रिज देखने के लिए। अभी बज रहे हैं 8:08, बराबर 8:30 को यहाँ पर गाड़ी आने वाली है। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, अभी निकल रहे हैं नेचुरल ब्रिज के लिए, फिर वहाँ पर आपको अपडेट करता हूँ। आज भी काफ़ी ब्राइट सनी डे है, देखिए आप इस तरफ भी देख सकते हैं ऊपर। आज भी बारिश का मौसम के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी बात है कि मे भी आज भी बारिश नहीं होगी। नेचुरल ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने हैट पहन के जा रहे हैं ये हमारे गाइड है, ये हमको वहाँ पर सब कुछ बताएंगे। अभी आप क्या क्या दिखाएंगे? अभी यहाँ पे एक ब्रिज दिखाएंगे जो कोरल का बना, एक नेचुरल ब्रिज, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टारफिश, सी कुकुम्बर, फिर सी एनिमोन, सी कुकुम्बर सब कुछ दिखाएंगे, स्नेल, लीच। अभी आ गए हम लोग बीच पर, मैं इसको ऐसे छाती की तरह यूज करता हूँ ताकि धूप ना लगे। ये सब जो मेरे पैर पे दिख रहा है आपको, ये सब डेड कोरल है। अभी अंदर जाने के बाद हम लोग को लाइव कोरल दिखने को मिलेगा। चलिए अंदर जाके देखते हैं फिर। अभी लाइव है क्या इधर कुछ? स्टारफिश, स्टारफिश निकल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, किसी पत्थर के नीचे अगर मिल गया तो। ये देखिए स्टारफिश, ले जाए सर हाथ में। यस चलिए अभी आगे देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं देखने के लिए। देखिए पानी में रखेंगे तो और भी अच्छा। ये मेरे हाथ में है अभी स्टारफिश, काटेगा नहीं मैडम, एडजस्ट कर लीजिए दो हाथ से, एक हाथ से है, एक हाथ जाएगा। मस्त चल रहा है यार। ये देखिए मेरे माँ के हाथ पर है अभी, कितना मस्त चल रहा है। ये रही माँ। चलिए रख दीजिए उसको पानी में, पानी में रख दो, पानी में रख दो। ये अभी पहुंच गए हम लोग नेचुरल ब्रिज के यहाँ पर। ये जो देख रहे होंगे आप,
ये वाले पत्थर को और इस पत्थर के साथ ये ब्रिज ने कनेक्ट किया हुआ है, और ये है नेचुरल ब्रिज जो कि नेचुरल कोरल से बना हुआ है। और अभी हम लोग पानी में खड़े हैं यहाँ पर, वो वहाँ पर है। क्या अभी तो पत्ते की जरूरत नहीं, अभी चलो देखने। नहीं पत्ते रख दोगे अगर आते समय लगेंगे तो यहाँ से उठा लेंगे। अभी और पास पहुंच गए हम लोग नेचुरल ब्रिज के। ये रहा कितना खूबसूरत है। कौन सा फिश बोल रहे हैं? नाम नहीं मैं ठीक से समझा। फ्रॉग फ्रॉग फिश। अच्छा मतलब टोड फिश है ये। पानी बढ़ना शुरू हो गया है वहाँ पर, ब्लू कलर और अच्छे से दिखना है, दिखना शुरू हो गया। देखो पानी का ब्लू कलर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और यहाँ से दिख रहा होगा आपको लेफ्ट में क्या है, नेचुरल ब्रिज। अभी इस तरफ और आगे जाना है? नहीं ना, आगे जाना है, आगे इसका लाइट मोड़। ओके अभी इसके आगे हम लोग चलेंगे, ये ब्रिज के उस तरफ हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर लाइव कोरल देखने को मिलेगा, वो फिंगर कोरल, और जो हमने पत्थर जैसे वहाँ पर देखे जो डेड थे सब लोग, तो अभी उसको ही लाइव देखेंगे, क्योंकि उसको लाइव रहने के लिए 24 आवर्स पानी चाहिए रहता है, और जो लहरों के बाहर पत्थर रह जाते हैं वो अपने आप डेड हो जाते हैं, इसकी वजह से वो उतने ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते। तो अभी हम लोग लाइव कोरल देखेंगे उस तरफ जाके। काफ़ी गहरा है पानी यहाँ पर, देखिए काफ़ी गहरे पानी से चल रहा है, जोरों से लहरें आ रही हैं। अपने को वापस आने के लिए होगा क्या फिर वापस? क्योंकि पानी अगर बढ़ गया तो आते वक्त हम लोग आपको आना ही नहीं हो सकता। पत्थर देख के मैं पैर रख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा पानी तो बढ़ गया है, लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि कम पानी में जाने की, इतनी ज़ोर ज़ोर से ले रहे हैं। पर नीचे मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ कैसे तो पानी में। यहाँ पर खड्डा नहीं है, अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ज़्यादा पानी भी नहीं है, अभी बड़ी वाली लहर आने के पहले ही मैं यहाँ पर आपको लाइव कोरल दिखा देता हूँ। फोटो ले देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बढ़िया है, एकदम एकदम क्लियर दिख रहा है। नाम क्या है? ये है यहाँ पर दिख रहा है, ये टाइगर कोरल है, लाइव बोलते हैं ना टाइगर स्टोन, ये कोरल से बनते हैं। तो ये लाइव कोरल देखने के लिए हम लोग इतना पानी से चल के आए। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारा कोरल है, लेकिन जो लाइव कोरल है बहुत ही कलरफुल, हनी बी कोरल। ये हनी बी कोरल दिख रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला हनी बी कोरल। हाँ एक्चुअल स्पंज ऐसा है, स्पंज कोरल। ये देखिए मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये सी कुकुम्बर जो कि लाइव एनिमल है, और वो पानी में रहता है। सी कुकुम्बर लिया था अभी हाथ में। चलो तो अभी किनार से हम लोग अंदर जाएंगे, अभी मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ फिलहाल, बहुत ज़्यादा मुश्किल से खड़ा हूँ यहाँ पर, खड्डे देख रहे होंगे आप मेरे आजू बाजू। चलिए अभी बीच में मैंने कैमरा अंदर रख दिया था,
क्योंकि चलना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे को कोरल के ऊपर। अभी सैंड के बीच से ही चलकर उस तरफ जाना है, तो अभी देखते हैं उस तरफ कुछ लाइव फिश हमें देखने को मिलेंगे ऐसा उनका कहना है। वो जो मैं बोल रहा था कि वहाँ पर, अरे ये अंदर से पानी है, एक मिनट। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि वहाँ पर जो फाइंडिंग नीमो की बात कर रहा था मैं, तो वो मूवी का जो मेन कैरेक्टर है नीमो, उसके जैसा दिखने वाला जो ऑरेंज कलर का जो फिश है वो हमें यहाँ पर दिखाएंगे ऐसा बोल रहा है। चलो वहाँ पर जाके देखते हैं कि वो दिखता है कि नहीं हमें। क्लाउन फिश बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर ब्राइट वाटर की वजह से इतना सुंदर दिख रहा है वो। वाव, पानी के अंदर खड़े हैं हम लोग। ये देखिए मेरा पैर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और हम लोग फिश को कैप्चर कर रहे हैं। दो आ गया, बहुत खूबसूरत है। दो फिश यहाँ पर तैर रहे हैं। अभी पानी के बाहर आ गया हूँ, अभी भी जस्ट क्लाउन फिश, मतलब जिसको सभी लोग बोलते हैं फाइंडिंग नीमो वाला फिश, वो देख के बाहर आया। हाथ के पास वैसे तैर रहा था मस्त खुले समंदर के पानी में, इतना क्लियर पानी और इतना ब्राइट सन। अभी हम लोग वापस हेडिंग टुवर्ड्स द कार राइट नाउ, अभी हम लोग वहाँ उधर जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे भरतपुर बीच, वहाँ पर देखते हैं कुछ वाटर एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। तो अभी इसी सैंड के ऊपर से चल के जाएंगे जहाँ से हम लोग चल के आए थे। ये जो मैं बोल रहा था जब बात कर रहा था पैराडाइज जैसा लग रहा है, उधर से हम लोग अभी चल के आए थे, और अभी ये यहाँ पर क्लाउन फिश का साइटिंग हो गया हमें। बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया। चलिए अभी हम लोग चलते हैं और अभी भरतपुर बीच पर आपको मिलता हूँ डायरेक्टली। क्या गया हम लोग भरतपुर बीच पर, अभी यहाँ पर हम लोग एक ग्लास फ्लोर बॉटम वाली बोट में एक राइड करने वाले हैं, तो उसी की बात कर रहा है भाई अभी उसके साथ। देखते हैं अभी वो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही ब्राइट सन है आज भी, जैसे कि कल मैं बोल रहा था कि अगर आज के दिन ब्राइट सन होगा तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। टैन तो हो रहा है, चलो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो दिखने में जो सुंदरता है ना, वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है।